वजीर आला एतमाद का वोट लिए बगैर असेंबली तोड़ देंगे। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। जज के इस्तफसार पर कमरे अदालत में कह-कहे लग गए। सिर्फ वजीर आला को काम करने की इजाजत देने में वजन है, अदालत ने यह भी कहा। तो सबसे पहले इस खबर से मुतालिक तफसीलात ले लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल रहमान, क्या कहा गया है, क्या रिमार्क्स दिए गए हैं अदालत की जानिब से? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने जो परवेज लाई को डी नोटिफाई करने के हवाले से दायर दरखास्त की समाअत जो है कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी है। अदालत ने रिमार्क देते हुए कहा है कि सिर्फ वजीर आला को काम करने की इजाजत देने में वजन है, अगर वजीर आला के अलावा काबीना नहीं रहती को तो कोई ना तो ऐसा रोज जारी हो सकता है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो है काबीना कोई भी इकदाम कर सकता है और इंतजामी उमूर जो है वो शदीद मुतासर हो सकते हैं। अदालत ने कहा कि आईनी तौर पर जो आपके हकूक को अदालत खत्म करने की इजाजत नहीं दे सकती, अगर आप अदालत को यकीन दहानी कराएं कि असेंबली नहीं तोड़ी जाएगी तो अदालत जायजा लेगी। और अदालत ने परवेज राय से मशवरे के लिए अली जफर को 10 मिनट का वक्फा देते हुए बात मुलतवी कर दी है और अदालत ने बात देते हुए कहा कि अपने क्लाइंट से मशवरा करके अदालत को बयान हल्फी भी मांगा गया है। अब्दुल रहमान, बिल्कुल, अदालत ने ये कहा है कि अगर अदालत को यकीन दहानी नहीं कराते तो जो आपकी दरखास्त है वो गैर मौसर होगी और इस हवाले से एक आईनी बहरान भी पैदा होगा। इस हवाले से बयान हल्फी जमा कराने के लिए और परवेज लाई से मशवरे के लिए जो है अदालत ने 10 मिनट का वक्त दिया है और केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है। जी 10 मिनट के वक्फा दिया गया आप कह रहे हैं अभी समाअत में। जी अब्दुल रहमान, ठीक है, अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदे ये बता रहे हैं कि जो की समाअत आज लाहौर हाईकोर्ट में